सकती है, नहीं है वहां, वहां यही है, वहां इंस्टॉलमेंट है, वहां इस चीज से कैसे निकला जाए। देखिए फिल्टरिंग करने की बहुत जरूरत होती है। अब इस मामले में मैं अल्पना से सहमत हूँ, सामाजिक संरचना जिसको आप नकार रहे हैं, नहीं वो ये नहीं, तो नहीं पल्ला नहीं झाड़ रहे हम। सामाजिक संरचना क्या, जो स्टेटस की बात कही, मैं तो बहुत सारी ऐसी लड़कियों से भी मिलती हूँ, बहुत सारी जो 20+ टाइप की लड़कियां हैं, और उनकी भी वही एम्बिशंस होती हैं जो वैसे लड़कों की होती हैं कि हमें घर खरीदना है, हमें ईएमआई साथ मिलके देनी है। तो इसके पीछे नहीं वो ये देखिए ये अब वो जो बच्ची इंडिपेंडेंट हुई है, जो आगे बढ़ रही है, जो अकेली खड़ी हुई है, जो वो अपने पैर पर खड़ी रहे, लेकिन वो शादी कुछ भी करे, अकेले वो घर की बात मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो शादी कर रहा है, अकेले की बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ जब वो पार्टनर तलाशती है, जब वो पार्टनर तलाशती है तब वो उस समय तो ख्वाब ये देखती है कि हम मिलकर ये कर लेंगे, मिलकर वो कर लेंगे, लेकिन जैसे वो बिल्कुल नहीं है, गलत बात, जाती नहीं है, और ऐसा कम होता है, ये बात ये आप सही कह रहे हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि लड़कियां ये देखें कि हम मिलकर ये कर लेंगे, पर अगर वो ऐसा करती है तो फंसती है फिर आगे जाकर, क्योंकि फिर तो वो ट्रैप में आ गई और फिर उनका पैसा उनका धन कभी भी उनका नहीं रह जाता। नहीं ये एक समस्या, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स हैं, अभी भी समाज में जो भी निर्णय लेते हैं वो पुरुष हैं, इस बात से मैं टोटली अग्री करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक कंडीशनिंग जो हो रही है कि भाई हम साथ मिलके करेंगे, इसमें एम्बिशन दोनों का बराबर है, एम्बिशन बराबर है, वो अलग बात है कि ये बहुत सपनीला बहुत रोमांटिक एम्बिशन होता है, इसी को एड वर्ल्ड जो आप जिस एड का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं उसको मोहब्बत के उसमें कैमोफ्लाज कर देता है। एक बात मैं यहाँ पर जरा सा रोक रही हूँ कि अभी भी ये हो रहा है कि हमारी डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े पदों पर लड़कियां जो है वो पति की मार खा रही है, घायल हो रही है, और अभी कहां वहां बैठा हुआ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने पति की अपनी पत्नी की हत्या कर देगा। यहाँ यहाँ देखिए समाज कहां जा रहा है, लड़कों के दिमाग में क्या है कि नहीं यहाँ यहाँ लड़कों के दिमाग में नहीं, यहाँ आप समाज को दोष दीजिए, समाज से ही दिमाग में आता है ना, समाज तो वही। देखिए मैं इसमें छोड़कर से एक नई बात कहना चाहती हूँ, मैं इसमें संक्षेप में ये कहना चाहती थी कि कितनी डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, कितनी इंजीनियर हैं, कितनी अध्यापिकाएं हैं, हम क्या एक अर्बन समाज की बात कर रहे हैं या फिर उस गांव देहात में जहाँ आज भी महिलाएं मजदूरी करती हैं, जो आज भी आदिवासी इलाकों में हैं, जो आज भी जिनके घरों में खाने के लायक रोटी नहीं होती, आज भी सब्जी के साथ खाना नहीं खाया जाता, इसमें जिनके घरों में एक मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, वो दलित तबका, वो आदिवासी समाज, वो अंडर प्रिविलेज जिनके घरों में बैंक बैलेंस है ही नहीं, आप उनकी भी बात कीजिए ना, वहां जब लड़की की शादी होती है तो लड़की के पास बैंक बैलेंस क्या, उसके माँ बाप के पास भी बैंक बैलेंस नहीं होता। इसलिए देखिए जब स्थिति ये है, जब इंजीनियर्स डॉक्टर्स की पढ़ी लिखी लड़की, ये मानती हूँ आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, जितना हमारा आज भी पूरे भारत का लिटरेसी रेट जो है वो लड़कियों का कहाँ खड़ा है, लड़कों का कहाँ खड़ा है, जनसंख्या के आधार पे देख लीजिए, आज भी मैं आपको याद दिला दूं हरियाणा का झज्जर के पास एक गांव है जहाँ एक भी स्त्री नहीं है, सारे के सारे पुरुष हैं, पूरा गांव पुरुषों का है, मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जहाँ आज भी जिनको चूहे खा के मार के गुजारा करना पड़ता है, जहाँ आज भी रोटी दूसरे के घरों में बर्तन साफ करके, या अर्बन की मैं बात नहीं कर रही, दिल्ली में तो जो महिलाएं कोठियों में काम करते हैं उनको पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन गाँव देहात में जाइए जहाँ आज भी गंद उठाने के लिए, सिर के ऊपर मैला ढोने के लिए आपको सिर्फ महज रोटी मिलती है, वो भी ताजी नहीं मिलती, बासी मिलती है, उसके ऊपर अचार भी नहीं दिया जाता, वो तब दिया जाता है जब कोई त्योहार होता है। मैं यह कहना चाह रही हूँ कि आप उस तबके की बात जो हमारे सामने है, जो यहाँ बैठा हुआ तबका है, इसके अलावा भी एक दुनिया है, भारत में दो भारत है, एक गरीब भारत है एक अमीर, मैं उस गरीब भारत के लड़के की बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहती हूँ, उससे किसी ने इनकार नहीं किया, मैं मान ली, लेकिन किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन जवाब भी, लेकिन सवाल भी वहां से नहीं उठा, अगर आपने उसका इंकार नहीं किया तो जवाब भी वहां से, सवाल भी वहां से नहीं आया ना, मैं वहां का सवाल करना चाहती हूँ, मैं एक सेकंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो समस्या है यहाँ, ये जो जब हम लड़के और लड़की वाली बातें जो करते हैं, हम उसको
उसको भी ध्यान में रखने की हमें जरूरत है। आज वो हिंसा गरीब परिवार का बच्चा निकल के जब बाहर आता है, लड़के और लड़की का, वो तो वैसे ही अपनी जिंदगी से जूझ रहा है, उसके लिए स्त्रीवादी होना उन लड़कियों के लिए महज एक कल्पना है। उनको नहीं पता कि कोई फेमिनिज्म नाम का भी कोई कंसेप्ट होता होगा, उनको नहीं पता इन चीजों का भी नहीं। वो आज भी जहां जीते हैं वहीं मर जाते हैं। जब वहां शादी ब्याह होती है तो वहां आज भी परंपरा है गांव में कि दूसरे गांव के लोग जो दान के रूप में देंगे, या फिर जो एक तरह से नोंदा हमारे हरियाणा में जिसकी मैं जहां से मैं आती हूँ उससे शादी ब्याह होते हैं, और वहां अधूरे होते हैं बहुत सारे सवाल जो यहां हम मंच पे उठाते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तीन सवाल, तीनों से एक एक से मिल, लेकिन उससे पहले कौशिक जी ये हम सवाल छोड़ जाते हैं क्योंकि श्वेता जी आ गई हैं, अगला सेशन शुरू करना है यहाँ पर, इसलिए हम फिर कभी चर्चा करेंगे, आप लोग चर्चा कीजिएगा। सर प्लीज माइक दीजिए, सर को माइक दीजिए, सर माइक दीजिए सर को प्लीज, जल्दी से अमित भाई, आप सर माइक आ रहा है, बैठिए ना, आप बैठिए ना, नहीं फिर भी माइक सब लोग पीछे सुन पाएंगे सर आपको। We have got sir, इसको थोड़ा नजदीक कर लीजिए, माइक ऑन कीजिए प्लीज। We have got 2.4% of the area of the world, as against this we have got 18% population. Second question, do you find, just name one country with a population of 130 crore which is practicing democratic system? Thank you sir. तो तीन सवाल हम यहाँ से लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई एक अपना मत रखना, एक सेकंड बच्चों, तीन है, आप तीनों से सवाल पूछ लेंगे यहाँ पर, लेकिन वो सवाल जो हम यहाँ पर छोड़ कर जाना चाहते हैं, एक बच्ची है उसका सवाल भी जरूर लीजिएगा, वो ये आप तीनों से और यहाँ बैठे विद्वजनों से भी, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कि क्या हमारा लेखन कहीं ना कहीं हमारे समाज को आंदोलित कर रहा है, हमारे समाज को कहीं ना कहीं कचोट रहा है? जो मुद्दे आप उठा रही हैं, जिस भारत की आप बात कर रही हैं, जिस गरीब की आप बात कर रही हैं, जो शोषित महिला की बात आप बात कर रही हैं, महिला समाज की बात कर रही हैं, क्या हमारे लेखन में वो शक्ति है या हम कहीं ना कहीं वो मैम कचोट पा रहे हैं? प्लीज तीन सब जल्दी से दो बच्चों माइक, ऐसी पूछो बुलंद आवाज, ऐसी पूछो। समाज में, हमारे समाज में पुरुषों के बीच भाग कर चल जाए समाज में पुरुषों को लेकर अक्सर सभ्यता और संस्कृति को लेकर बातें चलती रहती है जो कि कहीं ना कहीं धर्म को जोड़ता है, पर हमारे धर्म में अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है, और जिसका सीधा मतलब होता है आधा अंग, पति का आधा अंग, जैसे आप बोलती है पार्टनर चाहिए होता है। लेकिन हमारा जो तबका है, जो हमारा सोसाइटी गांव में या शहर में, और मुझे लगता है कि 98% तक लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, तो ये दिक्कत कहाँ आ रही है इस बात को समझने में? वेरी गुड, एक एक ले लेते सवाल, हाँ आप पीछे जल्दी से ले लीजिए, पीछे पीछे जल्दी, एक माइक और मिल सकता है अमित भाई। मैम मेरे पास टोटली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसमें कि बच्चा टोटली कमाता है, एमसीए इंजीनियर है, और उसकी मैरिज होती है एक अच्छे घराने में लड़की से, और लड़की टोटली कहती है कि मैरिज के बाद दो दिन में कि पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, तो इस केस में आप क्या कहना चाहेंगी? थर्ड जल्दी से ले आइए, बच्चे के पास ले आइए, सवाल आप लोग बांट लीजिएगा आपस में, जल्दी से बेटा जल्दी से पूछ लो। हेलो मैम, मेरा सवाल क्वेश्चन मैम से है, कहां पे हो मैम? यहां खड़े हो जाओ बच्चे। नहीं नहीं कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में आपने बोला था कि आज का समाज नारी को एक बाजार की तरफ धकेल रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो बाजार कौन सा है जो आज नारी को धकेल रहा है? माफ करिएगा पर मैं आज जो देख पा रहा हूँ, मेरी पीढ़ी जो देख पा रही है, आज नारी मजबूर नहीं है मैम, मजबूत है जो मेरी पीढ़ी देख पा रही है। वेरी गुड, मैं जवाब दूं? नहीं, बस आखिरी सवाल बच्ची का, एक तो आपने आ गया, दो सवाल आप बांट लीजिएगा बेटा, जल्दी से पूछ लो फटाफट पास। मेरा सवाल भी कौशल मैम से है। मैम आपने बहुत सारे ऐसे गांव के नाम बताए जहां महिलाओं का
सिचुएशन बहुत ही खराब है, तो क्या ऐसी किसी भी साहित्यकार का कुछ भी लिखा हुआ या कोई भी सोशल मीडिया मूवमेंट ऐसी महिलाओं को जिनको एक्चुअली जरूरत है एक रिकग्निशन की, क्या उनको एक्चुअली हेल्प कर रहा है या ये हमारे बीच में ही रह जाता है? थैंक यू, शुक्रिया। शुरू करें, आपकी बात से ही शुरू करती हूँ। देखिए, हम लोगों की ये विडम्बना है और एक सीमा भी है। आप अगर मुझसे सिर्फ सीधा सवाल व्यक्तिगत रूप से पूछें तो मेरी एक अपनी सीमा है। मैं इसको ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से तो उठा सकती हूँ, लेकिन मैं पॉलिसी नहीं बना सकती इसके लिए। पॉलिसी बनाना सरकार का काम है या फिर संस्थाओं का काम है या फिर एनजीओ का काम है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जैसे आज मैंने यहाँ सीधा मंच पे ये सवाल उठाया कि वो तबका जिनके जो जिनके सवाल नहीं उठा पाते हम, जो जो अधूरे रहते हैं, हमने उसको उठाया है। ये एक तरह से आप इसको मतलब मैं हो सकता है पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब नहीं दे पाऊँ, लेकिन इसको थोड़े से मेरे प्रयास के रूप में आप देख ही सकती हैं कि मैंने सीधा उसका सवाल उठाया। दूसरी बात, आपने दूसरा सवाल ये पूछा था कि आपने पूछा था बाजार, देखिए मैं एक एक दे दीजिए क्योंकि हमने खत्म करना है बस लास्ट। हाँ, हाँ, एक संक्षेप, बिल्कुल संक्षेप में दूंगी। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा और मैं सैल्यूट करूंगी कि अगर सारी के सारी महिलाएं मजबूत हो जाए, एक वर्ताली बन जाइए उनके लिए कल्पना के रूप में, लेकिन कितनी महिलाएं मजबूत हैं, कितनी महिलाएं मजबूत है आज, जो जो अपनी मजबूती के दम पर या जो अपने दम पर निर्णय लेती हूँ।